और जी मेरे पहले मेहमान जो है पहुंच गए हैं, खैर से मुझे दूर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और मैं बस लेट हो गई हूँ, थोड़ी जी ट्रैफिक च फंस गई सा और मैं जाके उनको जो है फाड़नी जी फाड़नी। मेरे मेहमान सामने खड़े हैं और चलें जी मैं गाड़ी जो है पार्क करती हूँ ताकि वो आके गाड़ी में बैठे। हेलो जी, मुझे लगा था मेरी वीडियो बन रही है, मैंने बटन ही नहीं दबाया। मैंने कहा हम पहली दफ़ा आए हैं, देखो जी इधर जूते वगैरह देखने के लिए, अगर कोई जूता पसंद आ जाए तो। मैं मेटलैंड में जी यहाँ पहले कभी आई नहीं, इस साइड पे मैंने पता नहीं सी कि मेटलैंड मतलब के है, पर कभी जाने का मौका नहीं मिला था। तो आज देखो आज हम जूते देखने के लिए आए हैं यहाँ, तो तुम जुतियाँ देखो कि कलरफुल ने किसी पहनते उन्होंने भी मज़ा आए वैसे है। जूतों की तो मैं कहनी है वैरायटी बहुत है, आजडा में तो कोई मुझे मिली नहीं थी, पर यहाँ मैं कहनी है जुतियों यहाँ पे आए हैं स्टोर। और यहाँ से जी शॉपिंग की जा रही है तो बस वेखो किन्नी देर थी इत्थे साड़ा स्टे वे। हेलो जी, मेटलैंड पे ये सेल लगी हुई है, जिन्होंने जाना है हॉलीडेज़ पर तो आएँ और यहाँ से अपनी पसंदीदा चीज़ लें और फिर टिकट कराएँ और चले जाएं। मैंने जी ये दिए हैं, ये देखिए ईयरिंग्स अपने लिए ये, और यहाँ पे लगी है सेल 70% ऑफ, देखते हैं कि इतों की लाभ है सानू। और ये पजामा जी ब्लैक और स्किन में, ये देखिए 17 का था, मेटलैंड पे 8 का लगा और ये बड़ा अच्छा है, मैंने ये देखिए उठाया है और मैं ये लेके जा रही हूँ अपने लिए। मैं पहुँच गई हूँ जी अब ये स्टेशन पे और देखिए आपको सरप्राइज मिलता, दिखाते हैं के अब जो है कौन आ रहा है इधर। खैर से देखो वो कौन आया, देखो ये कौन आया। हेलो जी, ए देखो ए मिल रही है जी, वो तुमने मेहरानो ट्रेन मिस है 60 पाउंड ने मेरे को ले टिकट दे हो। हां भाई, पर कोई नहीं, ये मैंने सीखा है आइंदा से जो है एक जगह पे जो नुकसान होता है ना बंदा सीखता है। ओदो ही आहो तूने तो हमारा नाम को डिबो दिया। ये लो जी, ये समिया ने भेजा तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह, ठीक है। और ये लो, ये भी भेजा जी समिया ने, खोल तो देख ली है। मैं सदके जावा समिया ते हैं। ये लो जी, ओहो हो 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 हो, पलाओ जी बू आई है, इन्नो इन्नो भी नाल गरम कर लवो हुन ना। मेहमान जी आ गए हैं और मैं फटाफट जो बाकी रह गया है वो फटाफट पकाऊं। और ये देखे मैं बना रही हूँ ये जैलोटिनो का क्रीमी चिकन ब्रेस्ट है, बड़ा मज़ेदार बनता है। तो चलें जी बताते हैं आगे क्या करना है। अब इसमें जी हम डालेंगे रेड फ्लेक चिल्ली हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर का और हाफ टी स्पून जी नमक का। इसको कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स और
ऐसे पकाएंगे जी तेज आंच पे, और चिकन का जो है पानी वो ड्राई करेंगे हम। ये क्रीमी जबरदस्त डिश है ये जी। हमने हैलोपिनो जैलोपिनो जो है जो भी है आप कहते हैं इसको बारीक बारीक करके हमने कुछ इस तरह इस चिकन के अंदर ऐड कर देना है, और ये जबरदस्त चिकन जी बनेगा, क्रीमी चिकन बनेगा ऐसे। और जितनी आपको अच्छी लगती है उसी हिसाब से आपने ये हैलोपिनो इसके अंदर डाल देनी है। जी हमें जितनी चाहिए थी मैंने उतनी डाल ली है, बाकी मेहमान आ चुके हैं तो बस फटाफट करिए चटापट करिए, भूख लगी है सबको। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी प्लेन फ्लावर 1 टेबल स्पून, और हमने ऐसे जी ये देखिए छिड़क देना है 1 टेबल स्पून फ्लावर, और इसको हमने कर देना है मिक्स अच्छे तरीके के साथ। आग हल्की कर लेनी है बिल्कुल ही, और ऐसे मिक्स कर देना है इसको। पीछे माशाल्लाह से जी आपको शोर वगैरह भी सुनाई दे रहा होगा कि मेहमान आ चुके हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे हमने करके इसको पकाएंगे ऐसे ही थोड़ा सा, सिर्फ कुछ सेकेंड ही। और ये बंद करके रख दो, इधर आओ जी, ऊपर वाली कबर्ड से मैंने निकाला है, और जो दूध दूध वाली बोतल है वो भी निकाल दो मुझे। इसमें अब आँच हम करेंगे तेज, दूध देखो और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के। ये देखेंगे हमने दूध कितना डाल देना है इसके अंदर, ये नहीं हाँ वो उसको बाहर रहने दो, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है मत बने, और इसको गाढ़ा होने अब देंगे। इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो चलो जी ये देखें मेरी सिस्टर क्या बना रही है, ये हूँ मैं आपके हिना जी। ये देखें मेरा हाथ ये देखें माई कड़ी माई अंगूठियाँ, तानू पता चल जे मैं ही हाँ। बड़ा डिलीशियस बन रहा, डिलीशियस क्रीम वाला जी, उसमें हैलोपिनो है, हैलोपिनो के साथ चिकन है, वाह क्रीम वाला ये बड़ा थोड़ा सा साइड पे एज ए साइड डिश होता है, साइड डिश इसको बस ऐसे पकने दे, इतना ही बहुत है। ये प्लेटर कैसे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं जी। प्लेटर इंटर जो उसका बाहर रहता है ना वो ऑफ हो जाता था खुद ही, तो वो दो दफा उसको ऐसे हुआ ना कोई पीस। ये देखें जी ये रोस्ट पोटैटो जा रहे हैं, चॉप्स मैंने रख दी हैं, रोस्ट चिकन भी रख दिया है, अब जो है आलू किनारे किनारे पे जिस के। तो ये देखें जी जबरदस्त आइडिया है किसी भी पार्टी के लिए। देखो नान नान भी गर्म जे है, चांपा ने है, चिकन रोस्ट जे ते आलू है, और मेरी बहन जी इस रेसिपी माशाल्लाह अन्नी मचा देनी और वायरल हो जाएगी। जान डाल रही है जान, इसको जोर जान डाल देने की मुर्गा तो चांपा जिंदा हो जानगियां एडी गल भी नहीं है। और जी ये हमारी बफलो विंग्स भी मैं करनी है, वेरी नाइस कुक्ड, वाह ऐसे मुंह साड़ ले नान करी आलू पूछ रख तो तू हाथ नाल हवा दी पे बस जी। और ये देखें ये चिकन विंग वेरी नाइस वेरी नाइस हेल्दी, इसको कहते हैं हेल्दी खाना, हेल्दी खाना। एंड लो जी इसको कैसे रखेंगे जो हम सब ने रज के खाना आप तो सुटी जा रही है, हमने खाना भी खाना। और मैं आपको अब जरा दिखा भी, ये फुली रेडी नहीं है पर ये देखें जी ये प्लेटर ऐसे बन रहा है, और नान है, चॉप्स हैं, बफलो विंग्स हैं, रोस्ट चिकन है, और अभी और कुछ साइडों पर जाएगा जो आपको देखने को जी नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। और जो लेमन है हमने ऐसे कर करके जी जहां जहां देखो जी लेमन की ड्रेसिंग कर देनी है ताकि ये ब्यूटीफुल लगे जी। देखो ये देखिए जी यहाँ पे क्या हो रहा है, नींबू आलू नान
हरा प्याज ते लेमन ते बफलो विंग जे चांपा जे ते चिकन रल के सारे पार्टी कर रहे हैं ऐ ते ना जिवें अम्मी ने सारे भैन भरा एक प्लेट विच इकट्ठे किए ये तो सारे मुझे अम्मी जी के बच्चे लग रहे हैं अम्मी भी ना ईद पे बच्चों को ऐसे ही सजाती होती थी सोने से कपड़े पा के परांदियां करके सोनिया सोनिया जुतियां चूड़ियां हैं और आजकल लोग खानों को भी ऐसे ही सजाते हैं जैसे कि उनके बच्चे हैं देखें जरा माशाल्लाह से देखें मेरी बहन की डी सुगर है माशाल्लाह तो आपने फुल रेसिपी देखनी है और आपने ट्राई भी करना है और आपने इसका फिर जो है रिव्यू आपने रोहमा को आके देना है उसको मेंशन करना है ठीक है ना अम्मी हलीमा का किचन तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अम्मी हलीमा किचन एंड फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और अप्रिशिएट किया करें तारीफ किया करें ताकि वो और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें हम टेबल पर जगह बनाने बाकी की वीडियो बाद में आती है आओ टेबल पे जगह बनाओ और इसको टेबल पे ले जाओ टेबल पे ठहर भी बस और जी हम अब जो ये हमारे हरे कबाब हैं ऐ देखो जी सीधा कर या करो तू सीधा कर ले ग्रीन कबाब्स वाह जी वाह जबरदस्त ये ग्रीन कबाब्स इधर करो ना नम थोड़ा ठहर नहीं जरा यहाँ पे रखे ना यहाँ पे ओ इधर परले पासे ग्रीन कबाब दूसरे कबाब ये वाले इंग्लिश नहीं इतनी बोली खाला की वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा तेरे दंद ता ही उत्ते चले गए तू कुड़िया इंग्लिश बहुत बोलती है थोड़ी बोलिया कर ये विनो जी एलो जी ये है जी हमारा प्लेटर तैयार जबरदस्त माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा बना है ये देखें आपको नजदीक से दिखाएं सारा अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा का किचन जी और ऐ देखो मेहमानों के लिए नाश्ता बन रहा है ये नान ब्रेड की ब्रेड स्टिक्स है नान ब्रेड स्टिक्स जी और ये हमने खुद बनाया है ड्रेसिंग इनके साथ ऑमलेट है और अभी और भी जी चीज़ें तैयार हो रही हैं जो टेबल पे आएंगी थोड़ी देर में इंशाल्लाह और ऐ देखो जी ब्रेकफास्ट और चीज़ें आ रही हैं टेबल पे होली होली इंशाल्लाह वेट कर लो ब्रेकफास्ट सर्व है जी एलो पीसी स्टाइल का ब्रेकफास्ट है तो आएं आप भी खाएं और हमारे साथ नाश्ता इंजॉय करें जी इंजॉय और साथ में ये जूस है एंड एलो जी तो मिलते हैं आपको अब लंच टाइम पे अभी तुम खाते पीते नजर आवे बस दुनिया में और क्या क्या रह गया है सूट नु छोड़ दो बस खाना पीना शुरू वाजी वाह ये वाजी वाह ये आए हैं जी माशाल्लाह से अच्छा। मेरे तीन जोड़े आए हैं वाह भाई वाह कपड़ों की बहुत कमी हुई सी شدید ये कौन लेके आया कानू विटामिन दी होंदी है आयरन दी कमी होंदी है मेनू आजकल कपड़ों दी कमी हुई वाह भाई वाह वेरी नाइस कपड़े ये लीना लेके आई है लीना वेरी नाइस आगा नूर की है हां हां ये वाला भी बड़ा जबरदस्त है ये बहुत अच्छा कलर है माशाल्लाह अजीन ये भी अच्छा है सारे बड़े हैं और ये आपके लिए आई हैं वाह भाई वाह वेरी नाइस और ये डार्लिंग आपके लिए जैसे आपको पसंद है वेरी नाइस मैं ये पहनूंगी मैं की पहनूंगी जड़ी है पहन के रेडियो स्टेशन जाएगी तो ना देखा कर पहन के रेडियो स्टेशन जाना आहो आहो रेडियो स्टेशन जाऊंगी ये वाला पहन के और ये डैडी की चीजें हैं खाने पीने वाली वाह ये आपका परफ्यूम साथ थैंक यू जी थैंक यू आपको और दे जिसकी वजह से जरूरत नहीं थी लेकिन पता नहीं तुसी कहंदे हो स्मॉल साइज है नहीं आहो आ जानी है नु टकिन का हो है कि सही है स्मॉल हां स्मॉल ही है वो ए इनने की आन गया ये ले जी हैं सारा सामान खोल खाल के और ये टीशियां लातियां ने वो निकाल रही है खाला आई बच्चों के लिए चीजियां लाई हैं खाला ही होती हैं जो माशाल्लाह चस्के पूरे कर देने जी अपने नीसेस नेफ्यूज के स्पॉइल करती हैं उनके लिए रंग बिरंगी चीज आती हैं हेलो जी ये तो थी अलीना लेकर आई थी और ऐ देखो जी ये आई है जी हमारी बॉडी बॉडी हमारी बॉडी बाजी माशाल्लाह ये लो अलीमा का वो अलीमा बाजी वाह वेरी नाइस और ये बाजी वाह थैंक यू जी थैंक यू अल्लाह आपको और दे वेरी नाइस वन साबुन तो नहीं ब्रेसलेट क्यूबिक ज़िरकोन का है मैं पहनूंगी और मैं पहन के कहूंगी बस जिंदगी में इसी की कमी थी